हनुमान जी के बारे में क्या कहें कि वो जितने शक्तिमान थे, जितने गुणवान थे, उतने ही वो श्रद्धामय और भक्तिमय। अधिकतर मनुष्य जो बहुत बलवान हो जाता है और जिसके पास शक्ति आ जाती है, जिसे हम लोग कहें कि राइट साइडेड हो जाता है, और वो अपने को इतना ऊंचा समझता है कि अपने आगे किसी को भी नहीं मानता। पर हनुमान जी एक विशेष देवता, एक विशेष गुणधारी देवता, कि जितने वो बलवान थे, जितने वो शक्तिशाली थे, उतने ही उनकी भक्ति शक्ति के संतुलन, जितनी शक्ति थी उतनी ही उनके अंदर भक्ति थी। ये संतुलन उन्होंने किस प्रकार पाला और उसमें रहे, ये एक बड़ी समझने की बात। जब हम सहयोग में पार हो जाते हैं और सहयोग में हमारे पास अनेक शक्तियां आ जाती, उसी के साथ में हमें संतुलन दिया जाता। हम प्यार करते हैं और प्यार के सहारे, प्यार की शक्ति के सहारे हम अपने कार्य में रत रहते हैं, वो कार्य करते रहते हैं। इसी प्रकार श्री हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली थे और उनके अंदर दैवी शक्तियां, उनके अंदर नवधा शक्तियां थी, जिसे कहते हैं गरिमा लघुमा। वो चाहे जितना बड़ा हो सकते थे, चाहे जितना छोटा हो सकते थे, अणिमा छोटे बिल्कुल बिल्कुल बारीक हो सकते थे, ये सारी शक्तियां उन्होंने अपनी भक्ति से पाई। इसका मतलब है कि भक्ति और शक्ति दोनों एक ही चीज। जिसके अंदर शक्ति है और उसके अंदर भक्ति नहीं, तो वो तो राक्षस हो जाता है। और जिसके अंदर भक्ति है किंतु शक्ति नहीं, वो पागल हो जाता है। दोनों के बीच में जो मध्य मार्ग में इस चीज को पाता है, जिसे आप शक्ति कहिए चाहे भक्ति कहिए, उसके शरीर का अंग अंग उसी से बना रहता है। इस उसकी विशेषता के कारण आज बजरंग बली को हम देश विदेश में भी उनकी बहुत अर्चना करते। मुझे आश्चर्य लगता है कि प्रदेश के जो छोटे लड़के हैं, बच्चे हैं, जब वो कोई सा भी चित्र बनाते हैं तो पहले हनुमान जी का ही चित्र बनाते हैं, फिर दूसरे उनकी विशेष बात कि वो अर्ध मनुष्य थे और अर्ध वानर थे।
माने पशु और मानव का बड़ा अच्छा मिश्रण था। तो हमारे अंदर जो कुछ भी हमने अपने उत्क्रांति में, अपने एवोल्यूशन में पीछे छोड़ा है, उसमें की जो प्रेम और उसमें की जो आसक्ति थी वो उन्होंने अपने साथ ले ली थी। जैसे कि आप देखते हैं कि गुरुओं का जो मार्ग माना जाता है, जिसमें के गुरु के कौन से प्राणी उनके सेवक माने जाते हैं, सो कुत्ते को मानते हैं। कुत्ते में वो विशेषता है कि गुरु के जैसे एक साधक पूर्णतया समर्पित होता है और गुरु के सिवा उसका और कोई मालिक नहीं होता, कोई और उसका विचार नहीं होता। हर समय वो अपनी जान लगा देता है अपने मालिक के। इसी प्रकार एक समझना चाहिए कि एक प्राणी जो कि उत्क्रांति में बढ़ा हुआ है, जब वो मनुष्य के सानिध्य में आता है तो वो क्या सीखता है? परम भक्ति। इसका मतलब है भक्ति हमारे अंदर जन्मतः बनी होगी, पूर्णतया पहले ही से हमारे अंदर भक्ति का बीज बोया। जब हम लोग इस दशा में नहीं थे, मानव दशा में नहीं थे, तब हमारे अंदर भक्ति का उद्भव बहुत हो गया। भक्ति बुरी तरह से हमारे अंदर समा गई। आप किसी भी जानवर को ले लें, उससे आप स्नेह लें, जरा सा स्नेह दें, जरा सा प्यार दें, वो इस तरह से आपसे निकट हो जाता है, इस तरह आपको मानता है और इस तरह आपसे प्यार करता है। घोड़े की भी बात आपने सुनी होगी कि घोड़े जो है वो अपना स्वार जब गिर जाता है या वो मरने को होता है तो उसके ऊपर छा जाता है। इसी प्रकार अनेक हाथियों के बारे में बताया कि ये हाथियों की निष्ठा भी कमाल की और वो अपने मालिक को कभी कोई तकलीफ नहीं देते। और अगर उनपे उनके मालिक पे अगर कोई शेर या कोई ऐसा जानवर आक्रमण करे तो हाथी उससे लड़ते लड़ते मर जाएगा, पर अपने मालिक को हाथ नहीं लगाने। ये जो रिश्ता एक मालिक का और ऐसे ऊंचे पहुंचे हुए जानवरों का है, ये रिश्ता हमारे अंदर भी स्थित है, पहले इसे बंधा हो। और इस रिश्ते के साथ वो शक्ति भी हमको मिलती है। जैसे मैंने बताया कि हाथी लड़ते लड़ते मर जाएगा, वो लड़ने की शक्ति भी हाथी के अंदर इसलिए आए कि उसके अंदर वो प्यार और भक्ति है। हम लोग कहते हैं कि सहयोग ये प्यार का, परमेश्वरी प्रेम का कार्य है, बात सही। पर इसी कार्य को करते वक्त उसकी शक्ति भी उसी में निहित है। हम लोग उसको शायद जाने या न जाने, उसके बारे में हमें उसकी प्रचिति हो या न हो, पर वो भी उसी के साथ निहित है और वो शक्ति दैवी शक्ति।
मनुष्य का कृति किसी के प्रति नतमस्तक होना, किसी को मान लेना, किसी को बड़ा समझ लेना, ये सब उसी के लक्षण। किंतु जब वो अपने गुरु को मानता है तब उसके अंदर गुरु की महिमा तो होती है पर उसके साथ साथ उसकी शक्ति भी होती है। तो भक्ति और शक्ति दो अलग चीजें नहीं, एक ही है। हम ये कहेंगे कि अगर राइट हैंड में अगर शक्ति है तो लेफ्ट हैंड में भक्ति। ये शक्ति भक्ति का संगम श्री हनुमान जी में बहुत सुंदरता से वर्णित है। कहीं तो वो रावण की लंका जलाने चले गए और वहीं सीता जी के सामने नतमस्तक भी हो गए। और जब सीता जी ने कहा कि नहीं, तुम तो मेरे बेटे हो, मैं बेटे के दम पर नहीं आऊंगी, मेरे पति को आना होगा और इस आदमी का संहार करना होगा, जब वो इसको नष्ट करेंगे तब मैं उनके साथ जाऊंगी। तो हनुमान जी इतने से वहां गए थे उनका ठीक, वो तो उनको ऐसे उठा के ले आते हैं, उनकी शक्तियां ही ऐसी थी। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर माँ ये बात कह रही है ठीक है। और उसके बाद इतना बड़ा महायुद्ध हुआ, उसकी जरूरत थी। अब ये गुण श्री राम के भी विशेष हुआ, अत्यंत शक्तिशाली और उनका निशाना कभी चूकता नहीं था। आपने सुना होगा कि सीता स्वयंवर ने उन्होंने क्या किया, लेकिन वही श्री राम जब रावण की बात आई तो उसको उन्होंने छोड़ा नहीं, उसका उन्होंने वध कर दिया। उसकी जो मैंने उसका जो वर्णन तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर किया कि श्री राम बार बार बाण मार रहे थे और रावण के 10 सर में से एक एक गिरता जाए, फिर आ जाए, फिर गिरता जाए, फिर आ जाए। तो लक्ष्मण ने कहा तब कर क्या रहे हैं आप, एक बाण उसके हृदय में मारो, जैसे हृदय में आप बाण मारोगे वैसे ही वो मर जाएगा, नहीं तो वो मरेगा कैसे, वो नहीं मर सकता। उसका वो बाण जो है वो उसके हृदय में लगा। अब श्री राम का बड़ा सुंदर वर्णन है, वहां संकोची थे ना, बहुत संकोची। श्री राम होते हुए इतने शक्ति के प्रचंड महान पुरुष होते हुए भी उन्होंने कहा देखो बात यह है कि इस रावण के हृदय में मेरे सीता का वास, तो मैं हृदय में नहीं मारूंगा, लेकिन जब बार बार इसका सर उतरेगा तो इसका ध्यान जरूर मेरे सर की ओर जाएगा, उस वक्त मैं इसको बाण से मारूंगा। नहीं तो उनके लिए कहा जाता कि एक बाण में वो वध करते थे। पर अब ये देखिए कि कितनी नजाकत की बात है, कितनी सरलता की बात है, पति का प्रेम अपने पत्नी के प्रति। सारे शक्ति के सागर होते हुए भी उनके अंदर किस कदर प्रेम था। हनुमान जी के तो अनेक किस्से हैं कि जिसमें हनुमान जी ने सिद्ध कर दिया कि वो प्रेम का सागर। और उसी वक्त जो दुष्ट हो, जो दूसरों को सताता है, जो दूसरों को नष्ट करता है, उसका वध करने में उनको बिल्कुल किसी तरह का संकोच नहीं होता।
ये जो भक्ति की बात बजरंग बली की है, वही उनकी शक्ति की भी बात देखने लायक है। वो जानते थे कि रावण सिर्फ अग्नि से डरता है, इसलिए लंका में गए और लंका दहन कर दिया। ये उनकी शक्ति की बात है कि उन्होंने लंका दहन कर दिया, और उस दहन में किसी को मारा नहीं, किसी को जलाया नहीं। रावण भी जला नहीं, कोई नहीं जला, पर उसे दहशत हो गई तो वो लोग घबरा गए कि रावण क्या पाप कर रहा है। रावण जो इस तरह के कार्य कर रहा था, पहले लोगों में सम्मत था, वो कहते भाई ये रावण ही है, क्या है उसकी इच्छा जो है सो है, उसको जो करना है सो करने दो, हम उसको कहने वाले कौन होते हैं, रावण तो रावण ही हुआ। लेकिन जब कितनी समझदारी की बात है कि जब लंका जल उठे, जब लंका का दहन हो गया, तब लोग समझ गए कि ये तो बड़ी खतरनाक बात है, बड़ी घबराने की, क्योंकि लंका का दहन हो गया और हम लोग अगर जल गए होते तो। अब आग की विशेषता ये कि ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती। सब लोग नीचे से ऊपर देख रहे थे कि जल रही है, जल रही है, जल रही है, पर पूरा लंका दहन हो गया लेकिन कोई जला नहीं। ये जलाने के लिए, उनको समझाने के लिए कि रावण महापाप कर रहा है, उन्होंने ये कहा। कितनी समझदारी और कितना संतुलन बजरंग बली में था, ये देखना है। यही हम देखते हैं इतिहास में, जितने लोग शक्तिशाली बहुत थे उनमें अत्यंत प्रेम था। अगर आप देख लीजिए तो शिवाजी महाराज का एक उदाहरण है कि वो इतने शक्तिशाली थे पर उतने ही बहुत तमीजदार, बहुत कायदे के और बहुत ही ज्यादा संयमित आदमी थे। ये संतुलन जब आप में आ गया तब आप सहयोगी हैं। अगर आपके अंदर शक्ति आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने प्रेम और व्यवहार उसको किसी तरह से त्याग दें, किंतु आप शक्तिशाली हैं। उसकी शोभा ही यह है कि आप जो लोग दलित हैं, जो गरीब हैं, जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, जिन पे आफत आई हुई है, उनके संरक्षण में, और जो लोग उनको पीड़ा देते हैं, जो नाश करते हैं, जो सताते हैं, और जिन्होंने हर तरह की परेशानी लोगों के लिए खड़ी की है, ऐसे लोगों आप कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बंधन से ही आप ठिकाने लगा सकते हैं। ये जो आपके अंदर शक्तियां आ गई हैं, इसका इस्तेमाल इसीलिए करना चाहिए कि जिससे जो दुष्ट है वो खत्म हो जाए। लेकिन आपकी शक्ति में हाथ में तलवार या गदा नहीं, हनुमान जी जैसे बाह्य में गदा नहीं है पर अंतर में है। आपके अनुभव आप देख लीजिए कि जो आदमी परेशान करता है, तंग करता है, उस पे गदा प्रहार हो जाता, चाहे आप हाथ में गदा उठाइए या नहीं उठाइए। इस तरह से आप तो स्वयं सुरक्षित हैं, आपकी तो सुरक्षा है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ आपके जो दूसरे सहयोगी हैं उनकी भी सुरक्षा, इस तरह से बचत हो जाती। अब इसमें
श्री बजरंग बली का हाथ बड़ा जबरदस्त था। आपको पता नहीं कि वो हाथ के आगे पीछे खड़े हुए, तो उनका स्वभाव बच्चों जैसा बहुत निर्बल और बहुत सरल, लेकिन इतनी समझदारी और हर तरह की खूबियां वो जानते हैं। इसका मतलब है कि उनकी शक्ति के साथ उनके अंदर निरक्षीर विवेक बहुत, बड़े ही बुद्धिमान। आजकल की बुद्धि तो बिल्कुल बेकार है, पर वो बुद्धि की जो प्रेम से हर एक चीज को जांचे और समझे, उस बुद्धि के एक विशेष स्वरूप श्री गणेश थे और हनुमान है। दोनों में विशेषता ऐसी है कि हनुमान जी बहुत बलिष्ठ, बहुत तेज ऐसी देवता है और श्री गणेश ठंडे हैं, लेकिन दोनों जब वक्त पड़ता है तो बहुत बड़े संहार सहजों को संहार करने की जरूरत नहीं, किसी का संहार करने की जरूरत नहीं। बस आप ये सोच लीजिए कि आपके साथ ये दोनों हर पल हर क्षण है। जब भी आपको कोई परेशान करे, तंग करे, तो साक्षात आपके संरक्षक का आपके साथ करें। बहुत से बार आप सुनते होंगे कि ये मिनिस्टर लोग जाते हैं, कोई जाता है तो उनके साथ सिक्योरिटी चलती, सहयोगियों की सिक्योरिटी उनके साथ ही चलती, और दूसरी सिक्योरिटी जो चलती है वो है गणों। अब इनका तो कार्य बहुत ज्यादा विविध है, तरह तरह छोटे छोटे काम भी करते, और यही है कि श्री गणेश को गणपति उनको सब खबर देते हैं आपके बारे में कि क्या हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ से आप पर आक्रमण हो रहा है, कहाँ से आपको तकलीफ हो रही है। आप जानते भी नहीं होंगे, कोई अज्ञात रूप से भी कुछ आपके ऊपर में हमला करना चाहे तो भी ये दोनों देवता आपके साथ खड़े हो। और जब गणपति ये बात बता देते हैं तो श्री हनुमान सज्ज हो जाते हैं, तो सहयोगियों को डरने की कोई जरूरत ही नहीं, किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं। अभी एक किस्सा आपको सुनाऊं मैं, बड़ा आश्चर्य का है कि आपने सुना होगा कि अमेरिका ने हर जगह बहुत सारे बॉम्ब गिराए, ये सोच के कि जगह कुछ आक्रामक लोगों ने कुछ व्यवस्था की हुई। तो ये किस्सा जो मैं आपको सुना रही है वो ये अफ्रीका में एक जगह जहां पर कुछ सहयोगी थे और वहां बॉम्ब गिरा, वो बॉम्ब गिरने से वहां के जितने भी लोग थे सब मर गए और सहयोगियों को कुछ भी नहीं हुआ। वो बड़े हैरान, उनके ऊपर धूल भी नहीं आई, तो कभी वो कबीला नहीं आए, कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि कबीला आएंगे, पर जब ये हुआ तो कबीला आए और आके बताया, मां पता नहीं किसने हमें बचा लिया, किसने हमारी रक्षा की, लेकिन
हम सारे सहयोगी बच गए और बाकी सब लोग मर गए। अब ये वाकया है, सही बात है, और इसका कारण यह है कि आपने अब परमात्मा को स्वीकार कर लिया, आपने सहज मार्ग से अपना आत्मा चेतित कर लिया। इस आपके नए परिवर्तन से आप एक महान भक्त और शक्तिपूर्ण ऐसे इंसान हो गए। आप किसी की मजाल नहीं कि आप कुछ, ऐसे हजारों उदाहरण आपको मैं दे सकती हूँ कि जब आप सहज में पार हो गए तो आपको कोई भी नहीं छू सकता। पहले भी संत साधु थे, सबको सताया गया, छला गया, सब कुछ हुआ, पर कितना भी लोगों ने छला या सताया वो डिगे नहीं, और इतना ही नहीं, उनका हमेशा संरक्षण। और ऐसी ऐसी बातें वो कहते थे कि जिससे लोग बहुत नाराज हो जाएं, सोचते थे कि ये क्या बातें कह रहे हैं, राजाओं के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, सबके खिलाफ वो ऐसी बातें कहते थे जिससे लोग घबरा जाएं। पर हनुमान जी की शक्ति से उनको कोई नहीं छू सका, उनको किसी ने नहीं मारा। ख्वाजा निजामुद्दीन साहब के बारे में एक बड़ा अच्छा किस्सा है कि वो उनसे, उनके बादशाह ने कहा कि तुम आकर के मेरे सामने झुको, कुर्मी साफ करो। उनका नहीं, मैं आपके सामने नहीं झुकने वाला, आप कौन होते हैं? बहुत नाराज हो। उसने कहा कि अगर 3 दिन के अंदर आप मेरे आते, आपने अगर सर नहीं झुकाया तो मैं आपकी गर्दन कटवा दूं। उनका कटवा दूं मैं, क्योंकि आप कोई बड़े साधु संत नहीं जो आपके सामने मैं झुकूं। तो उन्होंने आकर के बड़ा हंगामा मचाया कि 3 दिन बाद जाकर के इस आदमी की गर्दन काट। जिस दिन उसकी गर्दन काटने वाले थे उसी रात इसी बादशाह की गर्दन कट गई, कैसे पता नहीं। अगर ऐसे इतिहास में न होता तो जो बड़े बड़े साधु संत हो गए, जो बड़े बड़े धर्मवीर हो गए, वो खत्म हो जाते, क्योंकि राक्षसी प्रवृत्तियां इतनी ज्यादा बलवती है, इतनी हिंसक है और इतनी व्यापक है कि वो इन लोगों को तो खत्म कर ही दे। किंतु उनके पीछे परमात्मा है, और परमात्मा जो है वो एक तरफ हनुमान और दूसरे तरफ गणेश, ये दो शक्तियां मिलकर के बना। वो संरक्षक, वो संभालता है। राणा प्रताप का किस्सा है मेवाड़ के, कि वो जब लड़ाई में गए तो उनके सैनिकों ने सोचा कि भाई ये तो हारने वाले, तो उनसे कहले आप वापस जाइए क्योंकि हम चाहते हैं आप बच जाएं मेवाड़ के लिए। उनका नहीं, तुम लोग सब वापस जाओ, मैं तो ऐसे डटा रहूंगा क्योंकि गण मेरे साथ खड़े हुए हैं। सहयोगी थे ना वो भी, आपको जाना तो आप लोग जाइए, मैं तो ऐसे डट के खड़ा रहूंगा क्योंकि गण मेरे साथ। बस समझ लीजिए कि आपके आगे पीछे हर तरह के संरक्षण।